हील पे हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि आखिर वो क्या क्या वजह और कॉजेज़ हो सकते हैं जिससे आप फील करते हो अपनी हील्स में पेन, और कैसे आइडेंटिफाई करें उनके साइंस और सिम्टम्स हमने अपने वीडियो में शेयर किए थे। इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि आप उन हील पेन्स को कैसे ट्रीट करो घर पर। फर्स्ट कॉजेज प्लांटर फसाइटिस, जो प्लांटर फसिया के इन्फ्लेम्ड होने की वजह से आपकी हील्स में पेन होने लगता है। अगर आपको प्लांटर फसाइटिस की समस्या हो रही है तो आपको अपने लिए ऑर्थोटिक्स का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। ये आपके इन्फ्लेम्ड फैसिया को और इन्फ्लेम्ड होने से रोकता है और आपके बैंड ऑफ टिश्यूज़ को सपोर्ट करता है। आप एक बॉल या रोलर अपने फुट के नीचे प्लेस करें और बिग टो से लेके हील्स तक उसके ऊपर उसे रोल करें, दिन में 3 से 4 बार। दोनों हाथों से अपने फुट को होल्ड करें, हील्स को ग्रिप करते हुए अपने टोज को फ्लेक्स और एक्सटेंड लगातार करें। इसे कम से कम 10 से 20 बार परफॉर्म करें। आप किसी ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप टाल को रोल करके मिनिमम 3 इंचेस की हाइट मेंटेन करते हुए अपने टोज को प्लेस करिए। धीरे धीरे हील्स को नीचे पुल करें और फिर अपने टोज को प्लेस रखते हुए हील को ऊपर खींचें। इसे आप कम से कम 10 से 20 बार दिन में 2 बार परफॉर्म करें। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो अपने फुट को आइस के ऊपर प्लेस करें। आप बैठ जाएं किसी चेयर पे और अपने हील्स को आइस के ऊपर प्लेस करते हुए टोज ऊपर रखें। इसे आप कम से कम 10 से 20 सेकेंड दिन में 2 से 3 बार परफॉर्म कर सकते हैं। What to add? Plantar fasciitis एक inflamed condition है, तो हम anti-inflammatory foods को add करते हैं जो inflammation को कम करके heel pain में आराम देते हैं, जैसे कि tomatoes, कोई भी citrus fruits, oranges, berries, cherries, nuts, olive oil, leafy greens and fatty fish. These all will help you to minimize the inflammation in your plantar fascia. And their dosage is 2 servings per day. Now let's talk about Achilles tendonitis, the flat foot. How can we treat this at home? This treatment requires the RICE method, which includes first is rest. Rest as often as you can. Jitna zyada aap apne foot ko rest denge, aap utna hi zyada Achilles ko aaram dete hain aur tendon repair ka mauka milta hai. Second is icing. Aap apne foot ko और एंकल एरिया को आइस से कवर करें या फिर आइस पैक का इस्तेमाल करते हुए उसे बार बार आइस से टैप करें। थर्ड वन इज कंप्रेशन। यूज ऑफ कंप्रेस स्टॉकिंग्स इज नेसेसरी एट स्पेशली एट नाइट और व्हेन यू रेस्ट। ये आपके टेंडन्स को और ज़्यादा रप्चर होने से रोकता है। एंड द लास्ट वन इज एलिवेशन। आपको अपने नी से लेकर के फुट तक के हिस्से को अपने हार्ट की रेंज से ऊपर रखना है, तो जब भी आप लेटें या बैठें आप अपने नी के नीचे कोई कुशन या पिलो रखें और अपने पैरों को दिल से ऊपर की तरफ प्लेस करें। इस केस में हमें टेंडन को रिपेयर करना होता है जो कॉलेजन से बना होता है, तो हम कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स अपने रूटीन में ऐड करेंगे जो कॉलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करें। दिस इंक्लूड्स विटामिन सी 1 per day, आयरन 1 tablet per day, कॉपर यू कैन टेक थ्रू फूड, सल्फर थ्रू फूड, क्लोरोफिल थ्रू फूड एंड जिंक 1 tablet per day. टू एनरिच कॉपर एड 1 serving ऑफ फिश एंड 1 serving ऑफ रेड पेपर पर डे। टू एनरिच सल्फर एड 2 eggs एंड 2 garlics पर डे। टू एनरिच क्लोरोफिल एड 2 bowls ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पर डे। थर्ड इज हील पेन ड्यू टू गाउट। Let's see how can we treat this at home. First, to drink plenty of waters. Like if we are talking about summers, you must need to drink 6 to 8 liters of water per day, irrespective of the gender. Reduce your stress, either through yoga or watch movies or do reading or hang out, whatever you like, as a stress can lead to increase in the formation of uric acid crystals in your body. Apply ice pack to the infected area where you feel pain towards your ankle joint or heel area.
to minimize the pain, and it should be minimum 2 to 3 times per day. If sometimes after applying ice pack or give some rest to your ankle joint still you feel pain, then you must take ibuprofen as a painkiller to reduce it. Every treatment, diet plays a mandatory role to cure your body from inside. हम गाउट के केस में लो प्यूरिन डाइट एडवाइस करते हैं. सो यू हैव टू अवॉइड शेलफिश, ऑर्गन मीट लाइक लिवर, स्टॉप योर अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड नो सॉफ्ट ड्रिंक्स एट ऑल. इंस्टेड इंक्लूड इन योर डाइट 2 बोल ऑफ वेजिटेबल्स, 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स पर डे, मिनिमम 100 टू 200 ग्राम्स ऑफ होल ग्रेन्स पर डे. इंक्लूड 1 सर्विंग ऑफ लो फैट डेयरी, 2 बोल्स ऑफ लेग्यूम्स एंड 2 टीस्पून ऑफ नट्स पर डे. हील स्पर. हील स्पर इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ बोनी फॉर्मेशन अंडर द हील्स विच इज एक्चुअली पेनफुल. आप इसे घर पर ट्रीट नहीं कर सकते. यू मस्ट कंसल्ट ऑर्थोपेडिक एंड अकॉर्डिंग टू हिज गाइडेंस यू डू व्हाटएवर ही आस्क्ड यू. बट येस, इफ यू स्टिल वॉन्ट टू वॉक यू मस्ट वेयर सपोर्टिव शूज एंड रेस्ट एज ऑफन एज यू कैन. वो आपको हेल्प करेगा टू एटलीस्ट मिनिमाइज योर पेन ड्यू टू हील स्पर. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल टू यू. सो डोंट मिस इट टू शेयर विद ऑल द पर्सन यू नो. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर अबाउट द बनियन फॉर्मेशन. उसका कॉज क्या है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करें और आप क्या ट्रीट कर सकते हो, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो घर पर जिससे आपका बनियन फॉर्मेशन वहीं स्टॉप हो जाए एंड यू कैन ईजिली वॉक. सो टिल द टाइम थैंक यू फॉर बींग विद अस. यू ऑल हैप्पी फीट.